नागपुर ग्रामीण परिसर के बुट्टीबोरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत दत्ता विद्या मंदिर परिसर में दर्दनाक घटना घटी है, जहां पर बालाजी कॉन्वेंट में शिक्षिका चेतना शिरीष भक्त एवं बच्ची हर्षिका शिरीष भक्त की जान चली गई है। इसके पीछे की वजह जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरत में रह जाएंगे। बालाजी कॉन्वेंट की मानसिक प्रताड़ना है इसके पीछे की वजह। इससे पूर्व वहां पर 3-4 लोगों के साथ भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन आज तक मीडिया में बात सामने ना आने से ये राज दबा रहा। लेकिन खुलासा तब हुआ जब चेतना की सुसाइड नोट में बालाजी कॉन्वेंट के प्रकाश नेवलकर और प्रकाश नेवलकर की दूसरी पत्नी टाले मैडम का जिक्र किया गया, जहां पर सुसाइड नोट में साफ लिखा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बार बार मानसिक प्रताड़ित किया गया है एवं चोरी का आरोप लगाया गया है, जबकि चेतना बड़े परिवार से है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से ये मामला संगीन होता जा रहा है। जहां बुट्टीबोरी पुलिस मामला दर्ज ना करते हुए राजनीतिक लोगों से साठगांठ करके पैसों का लेन देन करके मामले को रफा दफा किया है, इसी वजह से जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नागपुर ग्रामीण तहसील अध्यक्ष ज्योति गोवर्दीपे, भीम सेना जिला अध्यक्ष सुमित कांबले, ऑल इंडिया पैंथर सेना के विदर्भ उपाध्यक्ष विशाल गेड्डाम, इन्होंने बालाजी कॉन्वेंट पर अपराध दर्ज करके जो राजनेता उसमें मदद कर रहा है और राजनेता के ऊपर सह आरोपी के रूप में अपराध दर्ज करने की मांग की है। गत 8 दिनों में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल को जलाया जाएगा एवं स्कूल के ऊपर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो बुट्टीबोरी पुलिस स्टेशन का घेराव किया जाएगा। ऐसी भूमिका इस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा, जिसके समर्थन में भीम पैंथर एवं ऑल इंडिया पैंथर सेना आई है, ऐसी जानकारी दी गई है कि उक्त विषय बड़ा गंभीर है जिस पर पुलिस की कोई संवेदना इस मामले में नहीं देखी जा रही है। डीवाईएसपी पूजा गायकवाड़ से इस बारे में चर्चा करने पर उन्होंने कहा, मर्ग कायम किया गया है, विषय जांच में है, लेकिन सामाजिक संगठना एवं परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो रोड पर आकर नागपुर शहर बंद करेंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। ऑल इंडिया पैंथर सेना के विदर्भ उपाध्यक्ष विशाल गेड़ाम ने कहा कि इस संबंध में अगर शासन प्रशासन को होश नहीं है तो बालाजी कॉन्वेंट के संचालक को पैंथर के हवाले किया जाए, वो अपने स्टाइल में कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर भीम पैंथर सेना जिलाध्यक्ष सुमित कांबड़े ने कहा कि कार्रवाई जरूरी है, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो जनता का पुलिस के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा और जिस वजह से कई बार अवैध व्यवसाय में यही बुट्टीबोरी पुलिस स्टेशन संरक्षण देता है, इस संवेदनशील विषय में स्कूल को बचा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क जाम, रोड जाम एवं मोर्चा हर संभव प्रयास करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र महापुरुषांचा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मध्ये महिलांचं संरक्षण आणि हिंदू कोड बिलातून असं दाखवण्यात आलेलं आहे। आज इथं जर महिलांवर जर अत्याचार होत असेल आणि याची जर दखल पोलीस स्टेशन जर घेत नसेल वेळेवर, तर मग हे मानवतेला कायम फासणार आहे आणि कायद्याची अवहेलना आहे मी असं म्हणतो। येथील भीमाजी पाटील हे पोलीस निरीक्षक आहे पण यांनी 6 दिवसापासून त्या मृतक महिला, त्यांचं नाव चेतना पत्ते आहे आणि त्यांची 10 वर्षाची मुलगी हर्षिका, या दोघ्या मालिकीनं मानसिक परेशानीतून, म्हणजे त्याला मानसिक परेशानी एवढी केली त्या संचालकानं बालाजी कॉन्व्हेंटच्या प्रकाश नेवलकर यांनी, की तिनं स्वतः सवय मुलीची बी मॅडम पूजा गायकवाड यांना निवेदन दिलं आहे, 6 दिवसापासून जर एक चेतना भक्ते यांच्यावर जे तिचे सुसाईड नोट सापडले आम्हाला 4, आणि त्यांचं तिचं डायरेक्टली डिसिजन आहे का प्रशांत नेवलकर हे गुन्हेगार आहे आणि गुन्हेगार व्यक्तीला 6 दिवस झाले DYSP मॅडम पूजा गायकवाड यांनी आतापर्यंत अटक नाही केली आहे आणि आमचं मागणं हेच आहे का त्यांना लवकरात लवकर अटक करावे, नाही तर आम्ही पोलीस स्टेशनवर घेराव करू आणि बालाजी कॅन्वेंट आम्ही कधी चालू नाही होऊ देणार इतका मोठा आम्ही आंदोलन करणार आहोत। भीमपंथर आमचे कार्यकर्त्याकडून आणि सुमित कांबळे जिल्हाध्यक्षाकडून हे आमचं तुम्हाला चेतवतो। पोलिसांचा काही आतापर्यंत काही तपास झालेला नाही आहे। माझ्या बहिणीचे डेथ झाले, आजचा 6वा दिवस आहे। 6वा दिवस असून सुद्धा मी पहिल्याच दिवसापासून आरोपीचं नाव घेऊन सुद्धा त्यांना आतापर्यंत बोलवण्यात आलेलं नाही आहे आणि तो आरोपी सर्वांना सांगत फिरत आहे की पोलिसांना आम्ही सेट केलेला आहे आणि मामला पूर्ण शांत झालेला आहे। आरोपीचं नाव प्रकाश नेवलकर, कारण की माझ्या बहिणीने सुसाईड नोट मध्ये लिहिलेलं आहे, मला ज्यांनी स्कूलमध्ये लावून दिलेला आहे तोच तो व्यक्ती आहे।
आणि मला माहित आहे त्याच व्यक्तीने माझ्या बहिणीला स्कूलमध्ये लावून घेतलेलं आहे. NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट.